करके मदेवो घर नाम करके मदेवो घर नाम जाचक जन्म जाचे भगवान जाचक जन्म जाचे भगवान करके मदेवो घर नाम हरे सदा सदा प्रभु के गुण गावा सास सास प्रभु तुम्हें दिया चरण कमल से लागे परीत भगत करो प्रभु की नितनी एक को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार सत्कार विच सारे भिज के आखो सतनाम एक प्रकरण आप जी सेवा ले रहे हो इस प्रकरण का होर कोई भाव नहीं गुरु की हजूरी विच तुहानू सुनांदिया किते दास गरीब भी सिमरन नाल जुड़ जाए आप जी भी अज अठवीं अवस्था है सिमरन दी कई नवे आए होंगे ने पहलियां सत अवस्था बोल के महाराज अगों सेवा लैन सिमरन दी पहली अवस्था
बेखरी जाप आवाज आनी वाहिगुरु वाहिगुरु बुल हिलने जवान हिलनी आवाज आनी इनू बेखरी क्यों क्या बिखर जाना आवाज आनी बार जाके बिखर जा। दूसरी अवस्था मदमा सिमरन कंठ च चला सिमरन की तीजी अवस्था मदमा बेची सुरती बेची। चौथी अवस्था सिमरन सवासा च चला पंजवी अवस्था सिमरन हिरदे च हो रही छेवीं अवस्था अजप्पा जाप अंदर नाम ही नाम है होर कुछ रह ही नहीं गया। अजप्पा जाप सिमरन दी सतवीं अवस्था अनहद नाल बिना साजां तो बिना बोलण तो भी आवाज आ रही है अनहद नाद चल पिया। गुरबाणी चो दलीलां आप जी ने सरवण कीतियां सी जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए अनहद शब्द चल पे। अज अठवीं अवस्था की बारी है अनहद नाद तो बाद सिमरन की तकरीबन अठवीं अवस्था है कहिंदे वाहिगुरु सिमरन रोम रोम च चला गया। आखो सतनाम जिन्नियां वस्तां सुनिया ने सुनन तक ना रह जाए नाम जपण दा चाओ पैदा होए। आपां चार मिनट तीन मिनट नाम दी महिमा पहला सरवण करदे आं फिर इस अवस्था बारे रोम रोम जिहड़ी अठवीं अवस्था विच अवस्था होर भी आउंदियां सारा प्रकरण पजल ना हो जाए बहुत मेन मेन सांझियां कीती है। वाहिगुरु वाहिगुरु आवाज आ रही है या कंठ च चल रहा है सुरती च चल रहा है सवासा च चल रहा है हिरदे च चल रहा है जपा जाप अनहद नाद अठवीं अवस्था रोम रोम च चल ये चाओ पैदा हो जाए नाम जपण दा उस वास्ते कुछ बचन तुसी सरवण कर दे। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरशां दी संपर्दा वालों किताब है से कनेहिया उहदे च बचन लिखे है कहिंदे नाम जपण नाल बहुत ध्यान देना नाम जपण नाल मनुखा जन्म लैण दा मेन प्रयोजन पूरा हो जाता। जिहड़ा तुहाडा मेन प्रयोजन है ना जन्म लैण दा जे सिमरन दीआं वस्सां सुण के तुसी नाम जुड़ना शुरू कर देंदे हो समझो मेन प्रयोजन तुसी संभाल लिया गोविंद मिलण की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज। इनू बड़े राम नाल सरवण करियो नाम जपण नाल मनुखा जन्म लैण दा मेन प्रयोजन असी पूरा करना शुरू कर दें। उन्हां दा दूजा बचन है सेक नेहिया किताब चों ही कहिंदे नाम सारे श्रेष्ठ कर्मां चों जिन्ने कर्म ने ना दूजे कपड़े दान कर लै कोई होर चीज दान कर लै कुछ होर कार्ज कर लै कहिंदे नाम सारे श्रेष्ठ कर्मां चों श्रोमणी श्रेष्ठ कर्म है ते निर्मल कर्म है। आपको सतनाम ये जड़ा नाम तुहाडे बड़े प्यारे प्रचारक भाई पिंदरपाल सिंह जी नाम बारे उन्हां दा भी किताबां च बचन ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੈਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯੈਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਲੜਾਈ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਯਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੁੰਡ ਵਿਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋਹ ਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੁੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯੈਰ ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, 5,000 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ 10,000 ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਸੋਧ ਲਵਾਂ, ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕੇ ਸੋਧ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੋਧ ਲੈ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਤਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੋਧ ਰਿਹਾ, ਰੁਕੇ ਸੋਧਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਸੋਧਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ 'ਚ ਵੱਧ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਖੱਟਿਆ।
अद्धे घंटे बाद थले आया तो मैं वैसे क्या मैं अगले स्टेशन से या उस तो अगले स्टेशन से जो कुछ छकना होया तो बिल तू देना कहते क्यों मैं तू 2000 खटिया दुकानदार को वध लगा हूँ वापस लेगा मैनू भोले पा कहिंदा कहिंदा 2000 नहीं खटिया 1000 खटिया 2000 नहीं खटिया 1000 खटिया मैं क्यों क्यों इत्थे आके मैनू खुशी होई कहिंदा एक दुकानदार ने जोड़ विच 1000 रुपया घट लाया ओ मैं आप ओदी हट्टी ते जाके वापस देने ने तेरे कोलो घट लगा है ऐ वड्डी गल है जे पल्ले नाम ना होवे गुस्सा ना करे कई बार बंदा कहिंदा 1000 रुपया जोड़ च घट लग गया दुकानदार ओनू आपे बोलेगा ते दे दंगे आखो सत हां चुप रहो नाम होवे ए यार असर नहीं करदा फिर मैं एक गल कही मैं कह जदों तू 1000 रुपया मोड़न जाएगा ना वो दुकानदार नू वो हिंदू वीर है वो दुकानदार हिंदू भीर मैं कह जो मोड़न जाएगा ना 100-100 दे 10 नोट देगा वो हाथ में क्या 1000 रुपया तेरे को जोड़ च घट लग गया तो मैं देन आया मैं कह ओदा सिर तेरा शुकराना बाद च करेगा पहले कलगिया वाले वाल झुकेगा गुरु दे सिख इहो जे होंदे इहो जे होंदे किसी का हक देन जाते ने वापस क्योंकि याद रखियो गुरु दे सिख दा जीवन इन्ना उच्चा होवे कि उहदे जीवन विच्चों साध संगत एहो जी खुशबू आवे कि सतगुर दे सत्कार च वाधा हो जाए जीवन उच्चा होएगा लोकी कहणगे दा गुरु धन जिन्ने नूं सिखाया हक पराया नानका गल समझो भाई भिंदरपाल सिंह जी का नाम की महिमा बारे बचन कहते जिदे पल्ले नाम होएगा उदे उत्ते विकारां दा ते माया दा यैर ये असर नहीं करता जे नाम होएगा आखो सतनाम नाम की महिमा बारे भाई भिंदरपाल सिंह जी का एक होर बचन कहते तोता पिंजरे च होवे तोता पिंजरे च होवे ते उनू बिल्ला खा नहीं सकता तोता पिंजरे च होवे ते बिल्ला खा नहीं सकता कहते सिख दे आसे पासे नाम रूपी पिंजरा होवे ते जमा दा काल रूपी जेड़ा बिल्ला ना उहदे नेड़े नहीं आ सकदा एक अगला बचन है महापुरुषों का कि सानू नाम जपण नू चाओ पैदा हो अगला बचन है जिथे कोई नहीं पहुंचता कोई नहीं जिथे कोई नहीं पहुंचता सके तो सका भी नहीं पहुंचता उथे साध संगत नाम पहुंचता आखो सतनाम जिथे कोई रिश्तेदार संबंधी नहीं पहुंचता उथे नाम पहुंचता आओ अज सिमरन की अठवीं अवस्था रोम रोम ये थोड़े जे 4-5 मिनट लाए ने कि नाम लई चाओ पैदा हो जाए एक करी सारी संगत फिर करो बेनती तरला पायो जी करके रे पाते वो हर नाम कर करके रे पाते वो हर नाम करके रे पाते वो हर नाम एक बारी सतगुरां दे प्यार विच गज के आखो सतनाम
कि सिमरन की अठवीं अवस्था है, सिमरन रोम रोम च चला। हूँ मैं तो बेनती कर रहा भी आ रोम ने हूँ किसी नूं वहम आ जाए रसना तो जपदी है, आ कितों जपण गए, आ कितों जपण गए। उस करके मेरा दिल करता भी गुरु ग्रंथ साहब की मोहर लवा ली, क्योंकि जो इत्थे आ गया उन्हूं फिर कोई कट नहीं कर सकता। एक करी वीर बोलो ये अवस्था हैगी कि नहीं। पिछले वीरवार तो पिछले तुसी अनहद नाल सतवीं अवस्था सुनी सी, वह भी गुरबाणी चो जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए भी अवस्था है नहीं। ए रोम रोम जेड़ी है जी ये अवस्था है कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहब तो मोहर लवा लो जी। रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख, रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख, रोम 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 हर ध्यावे गुरमुख, रोम रोम हर नानक गुरमुख साज समावे, नानक गुरमुख साज समावे, रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख, रोम रोम हर ध्यावे। संतत्र सिंह मस्तूआण वाले महापुरुष, कभी किताब लिया के पढ़नी होवे विश्व शांति, उन्हां दा बचन इस अवस्था बारे मैं तां बचन आप जी नाल सांझे करदा है। उन्हां दी किताब च लिखे है कहिंदे शब्द ते सुरत जदों इक हो जाण, शब्द ते सुरत जदों एक हो जांदे ने ते प्राणी दा रोम रोम सहजे ही नाम जपी जांदा है, इसनूं परावस्था कहिंदे। टोटल चार बैखरी मदमा पसंती ते परा, ये परा हुण खीरली अवस्था ने, एक अद्धी होर आप जी नाल सांझी होई। नंबर दो एक आत्म मार्ग रसाला शब्द है संत वरियाम सिंह रतवाड़े वाले महापुरुषों, उहदे च वी इहदा जिक्र कीता है, बड़े ध्यान नाल सुणिओ। कहिंदे अनहद नाद दे रस तों बाद जिहड़ी तुसीं सतवीं अवस्था सुणी सी अनहद नाद, अनहद नाद दे रस तों बाद जदों नाम तरक्की करदा, नाम वी तरक्की करदा साडे शरीर, अनहद नाद दे रस तो बाद जदों नाम तरक्की करदा है ते रोम रोम विच पहुंच जांदा है, ये उन्हां दा बचन। भाई हरभजन सिंह सोढी, किताब दा नां है भजन बंदगी दा प्रताप, वो भी बड़ी अवस्था ले होया, उन्हां दी अठवीं अवस्था बारे किताब च जिक्र है। कहिंदे शरीर दे 7 करोड़ रोम हन, उह लिखदे शरीर दे 7 करोड़ रोम हन, जिन्हों रोम रोम सिमरन दी अवस्था मिल जावे, पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक हर रोम खेड़े दे विच खड़ा हो जांदा है। उन्हां दा बचन है भजन बंदगी दा प्रताप, किताब दा नां है शरीर दे 7 करोड़ रोम हन,
पैर दे अंगूठे तो सिर दी चोटी तक एकदम सारे रोम खड़े हो जांदे ने ते कहंदे जदों सारे रोम वाहिगुरु जपदे ने ते सवाद ही सवाद ते रस ही रस होंदा है। ये उन्हां दा बचन। हुण एक सरदारा सिंह होए ने नाम साधना किताब दा ना है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਦੀ ਫੁਹਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਇਉਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਖਿਲਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਜੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਗਾਓ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕਿਹਦਾ ਤਰਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀਏ ਆ ਘੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜੀ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਰਤਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 60 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਉਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਲਫ਼ਾ ਟੂਟੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦੇਸੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਪੇਟ ਤੇ ਲਾਈ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ
संत सुंदर सिंह जी दे मत्थे ते लाई पांच जगह छाती ते पेट ते लत्तां ते पैरां ते ते मत्थे ते संत सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले महापुरश लम्मे पए पए कहण की कर रहे हैं कहिंदे की कर रहे हैं कदी टूटी छाती ते कदी पेट ते कदी लत्तां ते पैरां ते मत्था ते की कर रहे हैं कहिंदा जी बीमारी लभ रहे हैं तुसी ढिले हो मैं बीमारी लभण लभ रहे हैं कहण लगे फिर ठीक है लभ उन्हें दोबारा फिर छाती ते फिर पेट ते लत्तां ते पैरां ते मत्थे ते ओ डॉक्टर दे मुख दे लफ़ज़ सी दीवान सिंह ना आया कहण लगा महापुरशो मैं सच कह रहा बीमारी कित्थों लभां जिथे भी मैं ए टूटी ला रहा वा मैनू तुहाडे सारे शरीर विचों वाहिगुरु वाहिगुरु दी ही आवाज आ रही आखो सतनाम होएगी बस गुरु ग्रंथ साहब ने मनी हुण पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दे केसां तक चल रहा होएगा इस अवस्था से पहुंचे होंगे महापुरश फिर वो टूटी विच भी यही सुनाई दे रहा है गज के आखो सतनाम ये हो सकता है मैं बड़ा सोचा जो पढ़िया ना मैं क्या मैं संगत नूं दलील की देंगा हुण सुन लियो जी ये हो सकता कि नहीं ग्रंथ साहब कहते हो सकता बाणी राम नाम सुनी गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्तियां बाणी राम नाम सुनी सिद्ध कारज सब सुहाए राम रोमे रोम रोम रोमे बाणी ने मनिया ए है अवस्था रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम प्याए राम रोम रोम हर प्याले गुरमुख रोम रोम हर प्याले वाह नानक गुरमुख साच समावे कर दे गल पर कहना तो पाएगा ये जड़ी रोम रोम है ना हनुमान जी भी इस अवस्था से पहुंचे सी आखो सतनाम हाँ। राम जी दे भगत अजकल कोई त्रेते दुआपर की गल माड़ी कह दो कई फील कर ले ये जेकर है भाई मनी सिंह जी की टकसाल विच भी होर भी टकसाली किताबां कहिंदे जदों राम जी ने रावण नूं मार के लंका जीती इहों सुणियो लालच नहीं कीता मैं राज करां रावण दे भरा भविखण नूं राज देता हूँ कई कहते गल ना सुनाओ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਲੰਕ ਭਵੀਖਣ ਥਾਪਿਓ ਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕਿ ਭਵੀਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਭਵੀਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਵੀਖਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੰਕਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਾਰ, ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 9 ਲੱਖੀ 1.25 ਲੱਖੀ, ਵਡਮੁੱਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਭਵੀਖਣ ਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 10 ਗਜ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ, 2 ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਏ, 1 ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨੱਕ ਕੋਲ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਣਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਣਕੇ ਐਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਭਵੀਖਣ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਨੱਕ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਚੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ
जिहदे च राम नहीं परमेश्वर नहीं वह किस काम है। यह दो सवाल जवाब। तीजा सवाल सीता जी ने किया, कहिंदे जिहड़ी इन्ने मन दी देई ऐ हनुमान जी चुकी फिर दे हो इहदे च राम हैगा। आ माला तोड़ दित्ती भी इहदे च राम नहीं, इहदे च राम हैगा, इहनूं भी तोड़ दिओ। अगों अखां च अथरू आ गए, हनुमान जी कहिंदे हैगा इहनूं तां ही संभाली फिरदा हैगा। हुण देखो कई जगह ते कुछ लिखिआ है, कई जगह कुछ जिहनूं गुरमत नहीं मनदी, जिहनूं गुरमत मनदी मैं वह बोलांगा। कोई कहे छाती पाड़ के, चलो किसी ने लिखिआ प्यार सीन भी बनाए। और एक जगह मैं पढ़िया भी आ जिहड़ी उतला मास हुंदा ना, ऐ ला के हनुमान जी ने थलवा मास विखाया, सारे पासे राम लिखिआ सी। ये भी गल आपां, लेकिन एक जगह मैं आ पढ़िया जिहनूं गुरमत मन सकदी, वह कहिंदे मैनूं दे देंदा। कहिंदे जिहदे च राम ही नहीं तुहाडे भी किस काम। वह कहिंदे आ देई च राम हैगा जिहड़ी एड्डी वड्डी देई। कहिंदे हां हैगा। दस फिर किवें हैगा। कहिंदे हनुमान जी ने आखिया, सीता माता जी जे मेरी देही विच राम वेखणा मेरी पिठ ते कन्न लाना। आखो सतनाम। जे देही विच राम वेखणा लिखिया मेरी पिठ ते ते बां ते कन्न लाना पए। कहिंदे जदों सीता जी ने हनुमान दी बां ते कन्न लाया, पिठ ते कन्न लाया, ते की वेखिया, सारे शरीर विच्चों राम राम दी आवाज आ रही है। ये केड़ी वस्था सी? हनुमान देवी रोम रोम च परमेश्वर दा नाम। आखो सतना। ये वस्था है गुरमुख रोम रोम हर त्या। और एदे विच तुसी एक नाम सुनिया होगा, सुंदर सिंह मजीठिया। ये उस टाइम होए ने जदों दरबार साहब के अंदर लाइट नहीं सी, एड़ी अंदर लाइट है ना, हुण आई है बत्ती, ये उदों नहीं सी होंदी, नवी नवी आई सी। उदों भी दो धड़े बन गए सी। एक धड़ा कहिंदा सी अंदर दीवे जगणगे जिवें जगदे पहले, एक कहिंदा सी वी लाइट आई है लगनी चाहिए। सुंदर सिंह मजीठिया जी का भी कौम च नां सी, उस धड़े च खड़े सी वी जे लाइट आई है तो लगनी चाहिए। हुण दरबार साहब जी का जिहड़ा प्रोग्राम आउंदा लाइव, जे आ गया समा इह चीज़ां दा तुहानूं मैं दस नहीं सकदा। बार संगतां दा इन्ना नेम है, इन्ना नेम है। हुण इंदौर तो आए हाँ, कुछ पिछले वीरवार भोपाल तो आए हाँ, तकरीबन हर घर विच नेम है कि सवेरे डेढ़ दो घंटे दरबार साहब जी का सारा कीर्तन, आसा जी की वार होर अंदर कीर्तन जिहड़ा लाइव आउंदा है, चौंकड़ा मार के संगतां सुनदियां इस भावना नाल गुरु रामदास तेरे चरणां च साडी हाजरी लग रही। किन्ना लाभ है मीडिया, किन्ना लाभ है। और प्यार होवे दूर बैठियां दी भी हाजरी लग जांदी। आखो सतनाम। करमी आपो अपनी के नेड़े, के जिवें कलगियां वाले ने कहा सी जिहड़े पहरे वाले उन्हां दा मन सी असीं उह नमैश वेखण क्यों नहीं गए, जिहड़े गए सी उह कहिंदे कलगी तर उठ पे ते की कहणगे। ते कलगी तर महाराज ने कहा सी हाजर गैर हाजर ते गैर हाजर हाजर। आखो सतनाम। कई वारी बाहर वालिआं दी हाजरी लग जांदी, प्यार दी लोड़ है। भाव भी जिवें जिवें समें ने तरक्कियां कीतियां ये चीज़ां वाकई फिर तो दास एक गल करे ये वस्था बारे, मेरी भी अरदास करो अपनी भी ये रोम रोम की कृपा कितने बख्शिश हो। इनी गल ते मन दे ही हो बाबा नंद सिंह जी इस अवस्था ते पहुंचे। सुंदर सिंह मजीठिया दर्शन करन आया,
महापुरुष बाबा नंद सिंह जी दे माला चल रही, रोम रोम चल रहे। कहते उन्हें कहता, कहता महापुरशो एक मणका वाहगुरु कह के साडे नाम का भी सुट दिया, एक मणका वाहगुरु कह के साडे नाम का भी सुट दिया करो। बाबा जी हस पे, चंगा भाई। जदों सुंदर सिंह मजीठिया प्रसाद लैके उदों किसे किसे कोल कार होंदी सी, लख बंदे विच किसे कोल कार होंदी सी नवीं नवीं, जदों अपनी कार च बैठा ड्राइवर कहण लगा, सुंदर सिंह मजीठिया दा ड्राइवर कहिंदा जी तुसीं बाबा आनंद सिंह जी नूं इह क्यों कहिंदे, एक वारी वाहिगुरू कह के मणका साडे नां दा सुट दिया करो, तुसीं आपे ही कह लो एक वारी वाहिगुरू। ओह कहण लगे, ओह भुलिया, जेड़ा महापुरश रोम रोम की अवस्था से पहुंचया हो वे, ओ एक बारी वाहगुरु कह दे, सत करोड़ बारी वाहगुरु कहण का मातम बन जा, इना मातम है। रसना का मातम हो रहे, कंठ का हो रहे, सुरती का हो रहे, स्वास स्वास का हो रहे, हिरदे का हो रहे, अजप्पा जाप का हो रहे, अनहद नाद का हो रहे, रोम रोम का महात्म हो रहा है। ये तो मनते ही हो भी महात्म बदता जा, हूँ किसी अजे भी तसली ना हो। एक अरदास मेरी भी कर दौ, अपनी भी कर लियो, दिल तो करता सी होर विचार, पर चलो समा हो गया। हर रोम कर दे जीव मेरी, भाई नंद लाल कहते कलगिया वाले वेला करो, हर रोम जीव बन जाए, हर रोम कर दे जीव मेरी। ये फारसी विच मैं पंजाबी च बोल रहा यार, हर रोम कर दे जीव मेरी, ए कर करम सिफत साई दी करा मैं दम पदम। बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट चैरिटेबल अते भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी वल्लों मनुखता दी भलाई हित कीते जा रहे कई कारजां दी सेवा गुरु साहब जी लै रहे हैं। पूरे भारत विच 18 वक्-वक् भलाई केंद्रां राहीं तकरीबन 5000 तों वी वध विधवा बीबियां फ्री राशन प्राप्त कर रहियां हन। वक्-वक् थावां ते 3 चैरिटेबल हस्पताल श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे दूरों आउण वाली संगत दे ठहरन लई हर सहूलत नाल लैस 2 सारावां श्री अमृतसर साहिब विखे CBSE आधारित 3 बीबी कौला जी पब्लिक स्कूल, लोड़वंद बच्चियां लई श्री अमृतसर साहिब विखे ही फ्री कंप्यूटर अते ड्रेस डिजाइनिंग सेंटर, अते नाल ही नौजवान बच्चे बच्चियां नूं गुरबाणी अते इतिहास नाल जोड़न लई चलाईयां गईयां कई लहरां दी सेवा भी सतगुरु जी ने ट्रस्ट कोलों लई है अते हुण वी लै रहे हन। अते इन्हां तों इलावा कई इतिहास गुरुद्वारा साहिबान दी कार सेवा अते अमृतसर साहिब दे शहर दे चौंकां नूं सुंदर बनाउण दी सेवा भी गुरु साहिब जी ट्रस्ट कोलों लै रहे हन। ए सारियां सेवावां आप जी दे निग्गे सहयोग अते असीस सदका चल रहियां हन, अते आउण वाले समें विच वी हर पल हर घड़ी हर पख तों आप जी दे सहयोग अते असीस दी लोड है जी। विद्वता अते खोज भरपूर भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी दियां 6 हथ लिखत किताबां, मैं दस्यो मारक संतो, शरदा दियां 11 निशानियां, 9 विशेषताइयां श्री सुखमनी साहिब जी, जीवन सेधा भाग पहला, जीवन सेधा भाग दूजा,
अते श्री गुरु नानक देव जी दे स्कूल दिया 15 क्लासा। ट्रस्ट कोलों किताबा मंगवाउन लई संपर्क करो 98765-25850। कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट अते भाई गुरिकपाल सिंह जी दी अनमुली देन धार्मिक रसाला सिफ्त सलाह। इस विच अध्यात्मिक विचार पांच खंड की हन, निमरता निर्वैरता दया तीरज घट बोलना घट खाना घट सौना जीवन च कैसा होवे। इस तो इलावा सवालनामा जिंदगी दियां बारीकियां हड बीतियां बाल सिख्या निक्कियां गल्लां वड्डे असर अनमोल वचन अते गुरु दे प्यारियां दा जीवन ए सब खजाना आप जी दे घर हर 2 महीने बाद सिफ्त सलाह रसाले दे रूप विच पहुंच सकता है। रसाला बुक करवाने लई संपर्क करो 98765-25850।